सबसे पहले तो सभी राजपूत समाज के महानायकों को जय माता दी। आज हमने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो जयपुर में 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुखदेव सिंह गोगामणी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, उसमें सभी को आमंत्रण देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। क्या कार्यक्रम है केसरिया महापंचायत और किस तरह से आप महिला अध्यक्ष हैं आगे, तो किस तरह की आपकी तैयारी है जयपुर के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी तैयारी है और मुंबई के सभी क्षेत्रों में जगह जगह हम लोगों ने सभी से, हमारे राजपूत समाज की बहनों से, मातृशक्ति से संपर्क किया और सभी को आमंत्रण दिया जयपुर में आने के लिए। तो महिला शक्ति में कौन से ऐसे बड़े चेहरे होंगे मुंबई के जिनको लेकर आप जयपुर पहुंचेंगी 2 अप्रैल को? महिला शक्ति में सभी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। जो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जयपुर में इस बार मातृशक्ति भी हजारों की संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। क्या क्या ये केसरिया महापंचायत जो नाम दिया गया है, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या कुछ रूपरेखा उसकी तैयार की गई है? इसकी रूपरेखा बहुत ही अच्छी, सभी के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है और जयपुर में कई होटलों में व्यवस्था की गई है और कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए भी गाड़ी की व्यवस्था की गई है और मुख्य व्यवस्था कार्यक्रम में स्वास्थ्य से लेकर डॉक्टरों के लिए कैंप भी लगाए गए हैं। क्या केसरिया महापंचायत किस तरह का कार्यक्रम है जो आयोजित किया जा रहा है? ये कार्यक्रम हमारी कुछ मुख्य मुद्दे हैं, मांगे हैं जो सरकार के सामने रखी जाएगी और उसमें मुख्य मुद्दे हैं कि EWS आरक्षण 10% से 14% पर किया जाए और पंचायती राज चुनाव, स्थानीय निकाय व अन्य सभी प्रकार के चुनाव में EWS के तहत अन्य आरक्षित वर्गों की तहत कोटा दिया जाए और EWS बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण तथा उनके लिए सरकारी गारंटी पर बिना ब्याज के व्यवसाय पूंजी उपलब्ध हो। तो आप एक महिला अध्यक्ष है, तो आप किस तरह से महिला शक्ति की जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से करनी सेना सॉल्व करती है, करनी सेना महिलाओं के साथ कैसे खड़ी है? बिल्कुल, महिलाओं के साथ तो कोई भी अन्याय होता है, कुछ भी गलत होता है, तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना महिला टीम हमेशा खड़ी रहती है। और मुंबई की जनता से, राजपूत से क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके इस कार्यक्रम को लेकर के सरिया महापंचायत? सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत में ज्यादा संख्या में पधार कर अपना योगदान दे। तो महिलाओं के लिए जैसे आपको पता है कि हमने करणी सेना का एक विशेष मुद्दा हमेशा रहा है कि महिला शक्ति को सपोर्ट करना और महिला के ऊपर कहीं पे भी अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है और कहीं प्रॉब्लम आ रही है या फैमिली इशू है, कई लोगों के द्वारा महिला को प्रताड़ित किया जाता है, तो हमेशा करणी सेना वहाँ खड़ी रहती है। आगे भी जैसे इंडस्ट्री में देख लो या मुंबई में बहुत सारी ऐसी समस्याएं महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना होती है, तो जैसे करणी सेना का हमारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, तो हमेशा हमको फ़ोन आता है और हम लोग महिला के लिए खड़े रहते हैं। और महिला की टीम की हमारे विंग बनाई हुई है जिसकी मुंबई अध्यक्ष आराधना विशेष सोलंकी है और ऐसे कब हजारों महिलाएं मुंबई में जुड़ी हुई है, हर विभाग में हमारी महिला टीम है और जब महिला का तक काम रहता है महिला संभाल लेती है, जब हमारी जरूरत पड़ती है तो हम हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। तो आराधना जी, आप एक महिला है, कभी कोई ऐसी समस्या आती है तो अध्यक्ष जीवन जी का किस तरह का सपोर्ट होता है और करनी सेना की टीम का किस तरह सपोर्ट होता है? बिल्कुल, जब भी कोई भी समस्या आती है तो जीवन जी का पूरा महिलाओं को सहयोग रहता है। तो जीवन जी, जिस तरह से बड़ी संख्या में पुरुष तो वहाँ पहुंच रहे हैं, क्या महिलाओं की भी उतनी संख्या दिख पाएगी? बिल्कुल, हजारों की संख्या में वहाँ महिला पहुंचेगी और आपको मातृशक्ति का प्रदर्शन वहाँ मिलेगा और लोगों को एक पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि महिलाएं भी पुरुषों की बरोबर समाज के लिए हमेशा खड़ी रहती है। और आप उस कार्यक्रम को आप जब देखेंगे ना, तो वहाँ महिलाओं पुरुषों की बरोबर महिलाओं की गिनती भी वहाँ पर दिखेगी।